तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनडीए क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, और ये महाराष्ट्र में पुणे शहर के पास खटकवासला में स्थित है, जहां तीनों सेनाओं आर्मी नेवी एयरफोर्स के कैडेटों को एक साथ में ट्रेनिंग दी जाती है। और अब बात कर लेते हैं एनडीए के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि एनडीए का सिलेक्शन किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम होता है आपका, और जब आप रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो इसका होता है आपका एसएसबी इंटरव्यू, जो कि 5 दिन का होता है। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, जो कि काफ़ी आसान होता है। इसमें कुछ ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल फिजिकल, इसमें कोई फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं है एनडीए के। इसके बाद आपका होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के बाद में आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। इसमें अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है इसमें। तो आपको एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पता चल गया होगा कि इस प्रकार से एनडीए का सिलेक्शन होता है। इतना क्लियर हो गया आपका। एनडीए एग्ज़ाम द्वारा आप आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी में भी डायरेक्ट ऑफिसर बन सकते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एनडीए का फॉर्म हर साल साल में 2 बार निकलता है। और अब बात कर लेते हैं कि एनडीए के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें 12th पास होना ज़रूरी है, और आपके 12th में कम से कम 60% मार्क्स होने ज़रूरी है। और बात करें स्ट्रीम की, तो स्ट्रीम आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या फिर पीसीएम के स्टूडेंट हो, या फिर पीसीबी के स्टूडेंट हो, आप एनडीए के लिए एलिजिबल होते हो। बस इसमें यह है कि जो पीसीएम के स्टूडेंट हैं वो आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए एलिजिबल होते हैं, और जो आर्ट्स कॉमर्स कॉमर्स और पीसीबी के स्टूडेंट हैं वो केवल आर्मी के लिए ही एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया आपका कि पीसीएम वाले स्टूडेंट आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए एलिजिबल होते हैं, और जो आर्ट्स कॉमर्स और पीसीबी के स्टूडेंट हैं वो केवल आर्मी के लिए ही एलिजिबल होते हैं। तो इतना क्लियर हो गया आपका। और अब बात कर लेते हैं कि एनडीए के लिए आपकी एज लिमिट कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनडीए के लिए आपकी एज लिमिट 16.5 से लेके 19.5 साल तक होनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं एनडीए के लिए आपकी हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट है यानी कि जो लड़कियां हैं उनकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हाइट के बारे में भी आपका क्लियर हो गया। एनडीए के हाइट के बारे में फिर से एक बार और समझ लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप एनडीए एग्ज़ाम द्वारा आर्मी नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें जो लड़के हैं यानी कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट है यानी कि जो लड़कियां हैं उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप एनडीए एग्ज़ाम द्वारा एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो पहाड़ी एरिया से जो बिलोंग करते हैं उनको इसमें 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिलता है। तो भाई हाइट के बारे में किसी ने आपको इस प्रकार से नहीं बताया होगा जिस प्रकार से मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जानकारी दी है। और बात करें एनडीए के रिटर्न एग्ज़ाम की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ एनडीए का रिटर्न एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होता है, जिसमें आपकी मर्जी होगी उसमें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जो आप रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में आपका जो एसएसबी इंटरव्यू होता है वो पूरी तरीके से इंग्लिश में ही होता है, जिसके कारण जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश में जो कमज़ोर होते हैं उनको बाद में रिजेक्शन मिल जाता है। इसलिए आप रिटर्न एग्ज़ाम के साथ साथ में एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी भी करें, क्योंकि भाई एसएसबी इंटरव्यू पूरी तरीके से इंग्लिश में ही होता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि एनडीए का एग्ज़ाम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले इसमें मैथमेटिक्स होता है, दूसरा होता है जीएटी यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स आपका
300 नंबर का पेपर होता है ये, और जो दूसरा होता है ये जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये होता है 600 नंबर का पेपर, यानी कि टोटल 900 नंबर का पेपर होता है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मैथमेटिक्स का पेपर पहले क्लियर नहीं कर पाए तो आपका जीएटी का पेपर चेक नहीं होगा। इसलिए अगर आपको एनडीए ज्वाइन करना है तो आपको अपना मैथमेटिक्स और इंग्लिश काफ़ी अच्छा करना होगा, तभी आप एनडीए ज्वाइन कर सकेंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इसमें किसी को कोई आरक्षण नहीं मिलता, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी का हो, किसी को कोई आरक्षण नहीं मिलता। हाइट वेट एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी भी चीज़ को लेकर कोई छूट नहीं है, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। बस एनडीए में यह है कि जो पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं उनको सिर्फ हाइट में छूट मिल जाती है थोड़ी बहुत, और किसी को कोई आरक्षण नहीं मिलता, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यू किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। और बहुत सारे भाइयों का यह सवाल रहता है कि एनडीए ट्रेनिंग कितने साल की होती है, तो जितने भी भाई हैं जिनका ये सवाल है कि एनडीए ट्रेनिंग कितने साल की होती है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि एनडीए ट्रेनिंग पूरे 4 साल की होती है। अभी तक तो आपने 3 साल की ट्रेनिंग सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 साल की ट्रेनिंग होती है एनडीए की, जो कि एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में 3 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में जो आर्मी विंग के कैडेट हैं उनको इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 1 साल और ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसी प्रकार से जो नेवल विंग के कैडेट हैं और एयरफोर्स के कैडेट हैं उनको भी 1-1 साल की और ट्रेनिंग होती है। जो नेवल विंग के कैडेट हैं उनका इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला यानी कि जो केरल राज्य के कन्नूर में स्थित है वहाँ पर 1 साल और ट्रेनिंग होती है, और जो एयरफोर्स के कैडेट हैं उनको एयरफोर्स अकेडमी में उनकी 1 साल और ट्रेनिंग होती है। तो यही है कि जो एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी है वहाँ पर 3 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में 1-1 साल की और ट्रेनिंग होगी आर्मी नेवी एयरफोर्स वालों की अलग से। तो आपको ट्रेनिंग के बारे में भी क्लियर हो गया होगा कि भाई ट्रेनिंग कितने साल की होती है एनडीए की टोटल।